बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नोत्तर की इस कड़ी में आज मैं गद्य पाठ चार का प्रश्न कराने चल रही हूँ। कुछ एक प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए। मैं पहले बोर्ड पर प्रश्न लिखती हूँ, फिर उसके उत्तर लिखूँगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, आप भी अपना काम शुरू कर दीजिए और प्रश्न लिखिए। महाकवि अयाज ने नूह के संबंध में प्रश्न है, महाकवि अयाज ने नूह के संबंध में इस तरह के प्रश्न आपकी पुस्तकों में नहीं है, इसलिए मैंने इन्हीं प्रश्नों को लिखवाने की कोशिश की है। तो आप शुरू करिए। महाकवि अयाज ने नूह के संबंध में अपनी आत्मकथा में अपनी आत्मकथा में किस प्रसंग की चर्चा की है, उत्तर प्रारंभ करिए। महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा लिखा है कि एक बार उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा तभी उनकी नजर अपनी बाजू पर रेंगते एक काले चींटे पर पड़ी। जिसे देखकर उन्हें
उन्हें लगा कि यह तो बेघर हो गया, तब उन्होंने भोजन बीच में ही छोड़कर बीच में ही छोड़कर मतलब आधा करके, आधा भोजन करके बीच में ही छोड़कर उस चिमटे को पुनः उसी स्थान पर छोड़ने के लिए उठ गए। बाइबल तथा अन्य पवित्र ग्रंथों में एक पैगंबर का भी वर्णन है। एक बार नूह के सामने एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। और दुत्कारा। तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया। तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान। ये
कुत्ते ने लू को जवाब दिया, सबको बनाने वाले तो वही एक है, यानी वो ईश्वर। सबको सबको बनाने वाले, सबको बनाने वाले तो वही एक ईश्वर है। ईश्वर है मतलब वही एक ईश्वर थे, मनुष्य भी बनाए गए हैं और उन्हीं से जानवर भी बनाए गए हैं, तो सबको बनाने वाले तो वही एक ईश्वर है। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछताते रहे। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछताते रहे। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछताते रहे। महाभारत में भी युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ते का वर्णन मिलता है। तो देखिए ये प्रश्न मैंने पूरा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कुछ पल के लिए रुक रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इस प्रश्न को रख करूंगी और फिर दूसरा प्रश्न लिखने चलूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रख कर रही हूं और इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न लिखवाऊंगी। तो इस प्रश्न को मैंने रख कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है, कवि अयाज आज के दौर से उनकी तुलना की जाए तो कहते हैं कि आज के दौर में दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग ना के बराबर हैं। लोग किसी के बारे में सोचने का उन्हें इतना मौका ही नहीं है, तो दूसरे के दुख से दुखी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब जो जीवन है वो अधिकतर व्यस्त से व्यस्ततम होता चला जा रहा है, जिसके कारण एक परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते, तो अन्य से तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती। अब मैं सुलेमान एक कर्णावान शासक था, इस पर आपको एक प्रश्न लिखवा दे रही हूं, क्योंकि सुलेमान पर भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तो मैं एक प्रश्न इसको भी लिखवा दे रही हूं। उसके बाद मैं आपको कुछ और प्रश्न लिखवाऊंगी, बिल्कुल संक्षिप्त वाले, एक दो नंबर वाले जो होते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखिए। सुलेमान एक करुणावान शासक थे। पाठ के आधार पर आधार पर स्पष्ट करें, यानी आपको सुलेमान की कथा इसमें बतानी होगी, कहानी, कि कैसे स्पष्ट हुआ कि सुलेमान एक करुणावान शासक है। आपको कहानी का वो अंश इसमें लिखना होगा जिससे ये उत्तर स्पष्ट होगा।
कि कैसे उसने अपनी फौज लेके जाता है तो चींटियों को बात करते सुनता है कि हट जाओ रास्ते से, फौज आ रही है। तो उस जमाने में जो लोग होते थे वे जीव जंतुओं की भाषा को भी समझते थे, उनके प्रति भी उनके मन में दया भाव होता था और उनकी भाषा को समझ लेते थे। तो चींटियों की फौज की जब ये बात चींटियों ने की सुलेमान ने सुनी तो वो उन्हें समझाते हैं कि घबराने वो अपनी फौज को रोक देते हैं और उन्हें जाने का रास्ता दे देते हैं और समझाते हैं कि मतलब मेरी जो फौज है वो तुम लोगों की रक्षा के लिए है, ना कि सताने के लिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सुलेमान जो है एक करुणावान शासक था जिसने सिर्फ जीव अपने मनुष्यों की ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं की भी चिंता हमेशा की थी। तो मैं इसी को उत्तर के रूप में आपको लिखवाने चल रही हूं। आप शुरू करिए। बाइबल में सुलेमान को उत्तर लिखिए। बाइबल में सुलेमान को ही बाइबल के सुलेमान को, मैं फिर से लिख देती हूं, बाइबल के सुलेमान को ही कुरान में सुलेमान कहा गया है। कहा गया है वे ईशा से 1025 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। वे पशु पक्षियों की की भाषा भी जानते थे तथा उनका हर दुख सुख में ध्यान रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर का मतलब था फौज, सेना के साथ कहीं जा रहे थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे कि उनके टापों की आवाज सुनकर
रास्ते में रहने वाली चींटियां रास्ते में रहने वाली चींटियां डर गई। तब सुलेमान ने डर गई और कहने लगी, रास्ते से हट जाओ, फौज आ रही है। तब सुलेमान ने धैर्य देकर उन्हें समझाया कि घबराओ नहीं। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। सुलेमान एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने भी सुलेमान के लिए ईश्वर से दुआ मांगी। तो ये कहानी है सुलेमान की, जो सिद्ध करता है कि वो एक करुणावान शासक था, जिसे जीव जंतुओं के बारे में भी पता था, जीव जंतुओं के कष्टों को देखता था और हमेशा ही वो सबके सुख दुख को ध्यान में लेके चलता था। तो उस जमाने में जो शासक होते थे वो सिर्फ न तो जीव जंतुओं के बारे में सोच ना तो सिर्फ मनुष्यों के बारे में सोचते थे, बल्कि जीव जंतुओं के बारे में भी उनका ध्यान हमेशा रहता था। तो इसी से सिद्ध होता है कि सुलेमान जो था एक करुणावान शासक था, जो अपने शासन काल में जिसने मनुष्यों के अतिरिक्त जीव जंतुओं का भी बहुत ध्यान रखा। मैं किनारे हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं रब करके कुछ आपको एक दो प्रश्न और लिखवाऊंगी। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं कुछ एक छोटे छोटे प्रश्न आपको लिखवा देती हूं जो कि मैं इसे रब करने चल रही हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे रब करती हूं। एक प्रश्न और आता है कि किस बात से सिद्ध होता है कि लेखक की मां जीव जंतुओं से प्रेम करती थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने प्रकृति और जीवों के प्रति अपना प्रेम दिखाया है उसका भी वर्णन इसमें किया जा सकता है। तो मैं उस प्रश्न को आपको सिर्फ समझा दे रही हूं तो आपको वो स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है तो उस प्रश्न को भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूं कि इसमें क्या लिखा जाएगा। प्रश्न है, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें लेखक की मां का पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के से प्रेम का पता चला। तो यानी कि लेखक की मां ने जो जीव जंतुओं से और प्रकृति से प्रेम दिखाया है यहाँ पर उसी कथा के प्रसंग को आपको लिखना है। तो लेखक की माँ हमेशा लेखक से कहा करती थी कि सूरज ढलने के बाद पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ बद्दुआ देते हैं, दिया बत्ती के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, और कभी किसी दरिया से गुजरो तो उसे सलाम करो। हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी ये चीजें सिखाई गई हैं कि अगर हम किसी नदी को पार करते हैं तो उसे देवी का स्थान देके, देवता का स्थान देकर हम उसे प्रणाम करते हैं। तो लेखक की माँ ने भी उसी दौर की चीजें यहाँ समझाई हैं कि कभी किसी दरिया से निकलो तो उसे प्रणाम करो, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कबूतरों को नहीं सताना चाहिए क्योंकि कबूतरों को उन्होंने मोहम्मद हजरत का अजीज माना है, मतलब बहुत प्रेम करने वाला ये माना है कि वो संदेश वाहक की तरह है उनके। तो हजरत मोहम्मद को कबूतरों से बहुत प्रेम है तो उन्हें भी नहीं सताना चाहिए, पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, दिया बत्ती के समय फूल नहीं तोड़ना, यानी शाम ढल, दिया बत्ती का मतलब शाम ढलने के पहले, शाम ढलने के पहले जो है वो फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने एक उदाहरण और दिया, उन्होंने मजार के गुंबद के नीचे घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मजार और मस्जिद की गुंबदों के नीचे कबूतरों के तमाम झुंड जो होते हैं वो वहां अपना घोंसला बनाए रहते हैं। तो ये सारी चीज भी इसमें कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने मुर्गे को भी कहा है कि मुर्गे को भी नहीं सताना चाहिए क्योंकि वो सवेरे उठकर बांग देता है, अतः उसे भी परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि उदाहरण दिया कि ग्वालियर के उनके जो मकान में थे उसमें मकान में दो रोशनदान थे जहां पर एक कबूतरों का जोड़ा रहता था घोंसला बनाकर, और एक बार एक बिल्ली ने कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया और माँ ने उन अंडों में से एक अंडे को हिफाजत देने की कोशिश की तो अचानक माँ के हाथ से दूसरा अंडा जो रहता है वो गिरकर टूट जाता है। अब हाथों से अंडा गिरकर टूट जाने के कारण माँ को कितना अफसोस होता है, इतना दुख होता है कि उन्होंने उस कबूतर को बहुत अधिक कष्ट दिया है। उन्होंने वो रोजा रखा, काफी रोई, आंखों के दुख को देखकर लेखक की माँ कबूतरों की परेशानी, उनका फड़फड़ाना, उनका दुख देखकर वे इतनी दुखी हो गई कि उनकी सब रो पड़ी कि अपने पश्चाताप के आंसुओं को रोकने के लिए उन्होंने उनके लिए रोजा रखा, पूरे दिन भूखी रही, और ये माना कि खुदा से उन्होंने प्रार्थना की, गुनाह की माफी मांगी, और ये माना कि जीव जंतुओं को भी सताने से जीव जंतु भी
उनके अंदर भी प्राण होते हैं, उनको सताने से उनको तो कष्ट होता ही है, स्वयं को भी कष्ट होता है। तो लेखक की माँ ने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के प्रति जो आस्था प्रकट की है, वो आस्था थी इस बात की कि आज भी हमें प्रकृति के प्रति उतना ही प्रेम प्रकट करना चाहिए। यानी प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अगर प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तभी हम भी सुरक्षित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।